गुड मॉर्निंग बेटा, आप अपना टॉपिक कर रहे थे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जिसमें फर्स्ट आप कॉन्टिन्यूटी कर रहे थे। एक्सरसाइज फर्स्ट चल रही है 6.1, उसमें 18 क्वेश्चन तक हो गए थे। अब देखो 19 से लेके लास्ट तक जो क्वेश्चन बचे हैं ना, वो हमारे मॉडुलस वाले क्वेश्चन हैं। और पिछले से पिछले वीडियो में आपको मोड एक्सपेंड करना बताया था भाई। अगर हम कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं किसी भी पॉइंट पे करते हैं, लेकिन अगर फंक्शन पे इस तरह से मोड आ रहा है तो पहले हम उस मोड को हटाएंगे। मोड हटाने के बाद वैसे ही लेफ्ट एलिमेंट राइट एलिमेंट और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। अगर वो तीनों सेम आते हैं तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, वरना फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। अब आपको ध्यान होगा, सुनो और सुनो, जैसे हमारे पास x माइनस वन है, इस पे मॉडुलस है, और अगर हमें इसका मोड हटाना है तो आपको क्या करना है, जो x के माइनस में है एक बार x को उससे लेस ले लो, और अब आप इस वन से लेस कोई भी वैल्यू लो, जीरो ले लो, माइनस वन ले लो, आपने वन से लेस x इक्वल टू जीरो लिया और वो यहां पुट किया तो जीरो माइनस वन माइनस वन आया। ये मत कहो कि उस माइनस वन को मोड पॉजिटिव बना देगा, हम मोड ही तो हटा रहे हैं भाई। अगर हम x की वैल्यू 1 से लेस लेते हैं और यहां रख के सोल्व करते हैं तो वैल्यू नेगेटिव आई या नहीं आई। मोड का काम हटा रहे, मोड की बात मत करो। यानी कि जब तुमने x को 1 से लेस कहा तो यहां से मोड तो हम हटा देंगे और इस फंक्शन के आगे नेगेटिव साइन लगा देंगे। जब हम x को 1 से ग्रेटर लेंगे, एक बात ध्यान रखो, 1 से ग्रेटर ले रहे हो, 1 की इक्वलिटी भी ले लो, इक्वलिटी जो ली जाएगी वो ग्रेटर देन के साथ लेंगे, लेस देन के साथ लेंगे। यानी कि अब आपको क्या करना है, x को 1 लो या 1 से बड़ा कुछ भी लो और चेक करो कि यहां सॉल्व करने से हमें पॉजिटिव मिल रहा है या नेगेटिव। आप अगर 1 भी लेते तो 1 माइनस 1 क्या है, 0, 0 पॉजिटिव में कंसिडर होगा। आपने 1 से बड़ा 2 ले लिया तो 2 माइनस 1 भी कैसा है, पॉजिटिव। यानी कि हम मोड हटा देंगे और उसके आगे साइन कैसा रहने देंगे, पॉजिटिव। अब कई बच्चे कहेंगे कि मैडम मॉडुलस का काम तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना होता है, तो ये नेगेटिव साइन क्यों ले लिया भाई। ये दिखने में आपका नेगेटिव साइन है लेकिन वन से कोई भी लेस वैल्यू लो और उसको यहां रख के देखो, वो इस नेगेटिव की वजह से ही पॉजिटिव बनेगी। आपने वन से लेस माइनस टू ले लिया, रखो माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री और बाहर एक और नेगेटिव साइन है तो प्लस में थ्री। यानी कि ये नेगेटिव साइन ही वैल्यू को क्या बनाएगा, पॉजिटिव। आप वन से लेस लो, वन के इक्वल लो, वन से ग्रेटर लो, सोल्व करके देख लो हमेशा कैसी वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव। तो मोड में तो यही करता था, ठीक है। अब देखो आपको पहले मोड हटाना है, उसके बाद हम उसकी कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट की। क्वेश्चन नंबर 19 में एफ ऑफ एक्स है मोड ऑफ एक्स अपॉन में एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, और यहां कह रहे हैं भी जीरो के लिए वन। देखो जब जीरो के लिए इक्वलिटी के लिए अलग से केस दे दिया तो ठीक है, यहां तो दो केस होते हैं ना। नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब है जीरो से लेस या जीरो से ग्रेटर। अगर हम यहां पर देखें तो मोड इस टर्म पे है, हमें इसका मोड हटाना है, हम इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, इसको एज इट इज छोड़ देंगे। जैसे मैंने अभी लिखा था मोड ऑफ एक्स माइनस वन, वहां पर एक्स के माइनस में क्या था, वन था, वन पे हमने लिमिट यहाँ पे यानी कि इनइक्वालिटी लिखी थी, यहाँ पे ठीक है जीरो पे हमने तोड़ दी। अब आपको क्या करना है, इस मोड वाली टर्म के अंदर एक्स की वैल्यू जीरो से लेस लो, जीरो से लेस आपने माइनस वन ले ली, तो ये बताओ एक्स की जगह माइनस वन रखेंगे तो वैल्यू नेगेटिव है या नहीं। मोड नहीं लगाना भी, नेगेटिव होने का मतलब है मैं यहाँ पे अलग से दो केस बना रही हूं, अगर एक्स को जीरो से छोटा लेते हैं तो ये माइनस एक्स आएगा, और नीचे वाले एक्स में आप कोई चेंज नहीं करोगे, उसके ऊपर मोड नहीं था भी। और अगर मोड हटाने के बाद क्वेश्चन सोल्व होता तो करो बिल्कुल, एक्स एक्स कैंसिल होने के बाद क्या आ गया, माइनस वन। अगर हम एक्स को जीरो से बड़ा लेते, जीरो से बड़ा मैंने वन ले लिया तो यहाँ पे वन रखेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है कि नहीं, यानी कि इस केस के लिए इसका मोड हटा दो और नीचे जो एक्स होगा एज इट इज, एक्स से एक्स कैंसिल होगा तो क्या आएगा, ये तीन अलग अलग केस हो गए। ये तो फंक्शन की वैल्यू जीरो के लिए, ये लेस देन जीरो यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, और ये ग्रेटर देन जीरो यानी कि राइट हैंड लिमिट के लिए। देखो सबसे पहले जब तुम एट एक्स इक्वल टू जीरो
जीरो की बात करोगे तो फंक्शन की वैल्यू जीरो पे कितनी है, वन है। जब लेफ्ट लिमिट निकालोगे तो लिमिट एक्स टेंड करेगी जीरो नेगेटिव। अब आप देख लो जीरो नेगेटिव के लिए हमारा फंक्शन सोल हो गया, क्या आया माइनस वन। अब इसमें एक्स को जीरो माइनस एच पुट करने की क्या जरूरत है, इसके पास तो वेरिएबल है ही नहीं, डायरेक्ट लिख दो हमारे लेफ्ट लिमिट क्या है माइनस वन। आगे देखने की जरूरत नहीं, अगर देखना भी चाहो तो राइट मिड के लिए कितना है आपका वन, तो ये वन और ये माइनस वन और राइट मिड वन, तो तीनों इक्वल नहीं आए, नहीं आए यानी कि ये फंक्शन हमारा डिसकंटीन्यूअस है, कंटीन्यूअस नहीं है। उसके बाद देखो भाई इससे अगला ये कह रहे भी एफ ऑफ एक्स है। देखो इन मोड वाले क्वेश्चन में ना मोड हटाते टाइम गलती मत करना, बाकी फिर ये अगर बात क्वांटिटी की करते हैं तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक्स नॉट इक्वल टू वन की बात कर रहा है और एक्स इक्वल टू वन के लिए कितना है। अब नॉट इक्वल टू वन के मैं यहीं पर दो केस बना रही हूं, उससे पहले मुझे बताओ अगर मैं यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस में वन है, अगर आइडेंटिटी लगाते हैं तो एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन आएगा कि नहीं आएगा, उस पर मॉडुलस हमको एज इट इज लगा दिया और नीचे हमारे पास है x माइनस वन, कब x नॉट इक्वल टू वन के। अब यहां लिख रही हूं f ऑफ x इक्वल टू, इधर देखो x नॉट इक्वल टू वन यानी कि जब x वन से लेस होगा, आप अपनी तरफ से वन से लेस वैल्यू लो, तुमने वन से लेस ले लिया जीरो, यहां रखो जीरो माइनस वन माइनस वन और जीरो प्लस वन है वन और माइनस वन इंटू में वन है माइनस वन, तो वैल्यू नेगेटिव आएगी नहीं आएगी। हम क्या करेंगे मोड हटा देंगे और फंक्शन को कैसा लिख देंगे, नेगेटिव साइन के साथ लिख देंगे, यानी कि माइनस का एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन और अपॉन में एक्स माइनस वन, अगर यहां आके एक टर्म कैंसिल होती है तो कर दो। उसके बाद एक्स ग्रेटर देन वन, एक से बड़ा आपने दो ले लिया, टू माइनस वन पॉजिटिव मतलब प्लस का वन और टू प्लस वन थ्री और पॉजिटिव पॉजिटिव कैसा है पॉजिटिव, यानी कि यहां से मोड हटा दो और उसके आगे कैसा साइन रहने दो पॉजिटिव और नीचे हमारे पास एक्स माइनस वन था, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये वन ग्रेटर देन के लिए फंक्शन आ जाएगा और वन के लिए क्या था हमारा टू था, मतलब यहां तक हमने मोड ही सोल्व किया है। अब मैं दोबारा से यहां लिख रही हूं कि लास्ट हमारा मोड हटाने के बाद जो फंक्शन आया वो क्या आया। देखो जब x 1 से लेस है तो सिर्फ क्या बचा माइनस का x प्लस 1, जब x 1 से ग्रेटर है तो हमारे पास क्या बचा प्लस का x प्लस 1 और जब x 1 के इक्वल तो कितना आया 2। और अब ये सिंपल से सिंपल क्वेश्चन है जिसमें हम लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, आप बेटा ये कर लेना सॉल्व कर लोगे ठीक है। नेक्स्ट देखो बेबी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है एफ ऑफ एक्स है मोड ऑफ एक्स माइनस थ्री अपॉन में एक्स और यहाँ पे एक्स माइनस थ्री, कब एक्स नॉट इक्वल टू थ्री के लिए और जब एक्स इक्वल टू थ्री की बात हो रही है तो क्या है जी वही दो केस बनाएंगे, क्या एक्स को थ्री से लेस लेंगे और एक्स को थ्री से ग्रेटर लेंगे। इधर देखो अब मुझे बताओ जब एक्स थ्री से लेस है, थ्री से लेस वैल्यू तुमने टू ले ली, यहां रखो टू माइनस थ्री तो माइनस वन नेगेटिव आया कि नहीं आया, यानी कि यहां से मोड तो हटा देंगे और इसके आगे साइन कैसा लगा देंगे नेगेटिव और ये एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस थ्री। जब एक्स को थ्री से ग्रेटर लेंगे, थ्री से ग्रेटर मैंने फोर ले लिया तो फोर माइनस थ्री प्लस का बनाया, यानी कि ये जो है मोड हटा दो प्लस का साइन रहने दो x और x माइनस में 3 और उसके बाद इक्वलिटी के लिए हमारा कितना है 0 है और यहां से देखो x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा और मैं वापस से यहीं पे लिख रही हूं कि मेन जो हमारा फंक्शन बना वो लेस देन 3 के लिए माइनस 1 अपॉन में x आया, ग्रेटर देन 3 के लिए प्लस में 1 अपॉन x आया और इक्वल टू 3 के लिए क्या आया 0। और अब आप इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लो, क्या फंक्शन की वैल्यू जीरो के लिए कितनी है सॉरी थ्री के लिए कितनी है जीरो, जब आप लेफ्ट लिमिट लोगे तो लिमिट एक्सटेंड करेगी थ्री नेगेटिव और थ्री से लेस का फंक्शन क्या है माइनस वन बाई एक्स, एक्स की जगह क्या पुट करेंगे थ्री माइनस में एच, रख दो यहाँ पे लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो माइनस वन अपॉन में थ्री माइनस एच,
इससे ज्यादा हम सोल्व कर नहीं सकते, तो हमने एच को जीरो रख दिया, एच को जीरो का तो क्या आया माइनस वन बाई थ्री, और राइट में निकाल के देखने की जरूरत ही नहीं है, फंक्शन क्या है डिस्कंटीन्यूअस। यानी कि मोड हटाने के बाद आपके लिए क्वेश्चन हार्ड नहीं पड़ेगा, सिंपल से सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा। जो हम पीछे कर चुके हैं वो काफी थे, लंबे छोड़े थे, इसमें तो सिंपल फंक्शन बचेगा जिसमें आप आराम से कॉन्टिन्यूटी चेक कर सकते हो। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है एफ ऑफ एक्स है 2x माइनस में मोड ऑफ x एट x इज इक्वल टू जीरो पे हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। सुनो पहले हम मोड हटाएंगे, अब हम अपनी तरफ से खुद केस बनाएंगे। ये बताओ x को जीरो से लेस लेंगे और जीरो से ग्रेटर लेंगे। जब आप x को जीरो से लेस लोगे मतलब माइनस एक माइनस दो जो भी है, तो भाई ये वैल्यू नेगेटिव है कि नहीं है, बिना मोड की बात कर रहे हैं। यानी कि जब तुम जीरो से लेस लो तो 2x तो एज इट इज, ये नेगेटिव साइन इसके पास अपने पास खुद का ही है, और जीरो से लेस के लिए एक नेगेटिव साइन और आएगा क्योंकि हम मोड हटाएंगे नेगेटिव साइन लगाएंगे, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और 2x प्लस में x 3x आ गया। नहीं जब हम x को जीरो लेंगे या जीरो से बढ़ा लेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, यानी कि ये 2x है, ये माइनस इसके पास था ही, और इस मोड ऑफ x की जगह x आएगा तो 2x माइनस x कितना आ गया x आ गया, मोड हट गया। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको क्या करनी है इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है बेटा। अब देखो भी एट x इक्वल टू जीरो के लिए फंक्शन की वैल्यू जीरो के लिए यहां से निकालेंगे, x की जगह जीरो रखेंगे तो क्या आएगा जीरो, जब लेफ्ट लिमिट लेंगे तो ये फंक्शन होगा, x की जगह जीरो माइनस एस रखें तो ये भी जीरो आएगा, और राइट लिमिट के लिए लेफ्ट लिमिट फंक्शन की वैल्यू और राइट लिमिट तीनों जीरो आएंगे तो फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूअस है। उसके बाद देखो नेक्स्ट ये कह रहा है f ऑफ x इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस बी, और कहते हैं इसकी कॉन्टिन्यूटी किस पे चेक करो b पे। तो भाई b जो b के बारे में सिर्फ कुछ नहीं बताया, आप लगा लो बी टू है थ्री है फाइव है जो भी है, जब आप यहाँ x माइनस वन और सब मोड हटा सकते हो, x माइनस टू से x माइनस थ्री से बी से भी हटा सकते हैं। इनइक्वलिटी क्या लिखेंगे, जब x b से लेस होगा, x की वैल्यू b से छोटी होगी, लगा लो b थ्री है तो आप b से लेस क्या लोगे टू लोगे वन लोगे, तो भाई वैल्यू नेगेटिव आएगी कि नहीं आएगी। सीधा सा अपना याद कर लो कि जो x के माइनस में होता है उससे जब लेस लिया जाता है तो उसके आगे से मोड हटा के और नेगेटिव साइन लगा दो। उसके बाद जब x को b से ग्रेटर या b के इक्वल लेंगे तो हमें कैसा फंक्शन मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा बस। अब इसकी क्वांटिटी चेक कर दो कैसे, एट x इज इक्वल टू b फंक्शन की वैल्यू b के लिए यहां से निकालेंगे तो b माइनस बी क्या आएगा जीरो, जब लेफ्ट लिमिट निकालेंगे तो लिमिट एक्सटेंड करेगा b के नेगेटिव को। अब b से लेस का फंक्शन क्या है माइनस का x और प्लस का हो गया b, x की जगह क्या रखेंगे b माइनस h रखो यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू जीरो तो माइनस का तो हो जाएगा फिर प्लस का हो जाएगा h और प्लस में b, तो b से b कैंसिल हो गया, x किसको टेंड करता है जीरो को, राइट में निकालोगे तो वो भी क्या आएगी जीरो, तो फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूस है। मेन बात क्या है मोड कैसे हटा। फिर देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना, इसने फंक्शन में ही दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन में मोड ऑफ एक्स प्लस में टू एक्स स्क्वायर फोर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू जीरो के लिए के, और कह क्या रहा है कि भी रिगार्डलेस द चॉइस ऑफ के फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस, मतलब k की चॉइस के ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं है, k की वैल्यू की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, उसके बिना ही ये फंक्शन क्या है डिसकंटीन्यूअस है। सोल्व करते हैं, सबसे पहले तो मोड हटाएंगे, मेन क्वेश्चन हमारे लिए ये मोड की वजह से। देखो बेटा x नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब है जीरो से लेस, तो तुम बताओ जब जीरो से लेस लेंगे तो इनका तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, ये तो x अपॉन में ये प्लस में टू एक्स स्क्वायर मैंने युग का यू लिख दिया, ये बताओ जीरो से लेस वैल्यू के लिए ये नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा। उसके बाद x को जीरो से ग्रेटर लेंगे तो ये x एज इट इज प्लस में 2x स्क्वायर भी एज इट इज, लेकिन ये कैसा आएगा प्लस का, और जीरो के लिए इसने अलग से दे रखा है हमें क्या भी k दे रखा है, ये है हमारा फंक्शन। अब अगर ये सोल्व हो रहा है तो हम सोल्व कर लेते हैं। इधर देखो यहां लिख
x कॉमन लेंगे तो 1 अपॉन में ये बच गया 2x और ये माइनस 1 आएगा कि नहीं आएगा। अगर इसको सॉल्व करते तो 1 अपॉन में 2x प्लस में 1 आएगा कि नहीं आएगा, और ये 0 के लिए हमारा k था। आप अलग से लिख लेना। अब देखो फंक्शन की वैल्यू 0 पे k है, इसको एक बार यहीं छोड़ दो। लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकालेंगे तो लिमिट x टेंड करेगी 0 के नेगेटिव को, और 0 से लेस का फंक्शन सॉल्व होने के बाद 1 अपॉन में 2x माइनस 1 है। अब देखो x को पुट कर दिया 0 माइनस h यानी कि माइनस h, लिमिट x टेंड करेगी 0 को तो 1 अपॉन में इसके जगह जब माइनस 2h रखेंगे तो माइनस 2h माइनस 1, और जब मैंने h को 0 कहा तो 1 अपॉन में माइनस 1, लेफ्ट लिमिट की वैल्यू क्या आ गई माइनस 1। फिर देखो जब राइट लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x tends to 0 पॉजिटिव, हमारा फंक्शन क्या है 1 अपॉन में 2x प्लस में 1, और x को क्या पुट करेंगे 0 प्लस h, लिमिट x tends to 0 1 अपॉन में x की जगह h रख दिया तो 2h प्लस 1, और जब x को 0 पुट करें तो क्या आया 1। यानी कि यहां तक हमें जाने की जरूरत ही नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है तो k की तो चॉइस ही छोड़ दो, जब ये दोनों बराबर नहीं है तो फंक्शन क्या है डिसकंटीन्यूअस है, यानी कि k के ऊपर डिपेंड नहीं करती इसकी कंटिन्यूटी, ये फंक्शन तो विदाउट k की वैल्यू के ही क्या है आपका डिसकंटीन्यूअस है। उसके बाद देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो लास्ट पार्ट है ना, लास्ट जो क्वेश्चन है ध्यान से उसकी स्टेटमेंट देखो, उसके अंदर जो मोड के टर्म है ना एक ही क्वेश्चन में दो मोड के टर्म है। देखो मोड वाले क्वेश्चन हमारे 7th चैप्टर में भी आएंगे और मोड वाले 10th में भी आएंगे, और 10th में तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट होंगे। सुनो ऐसा हो सकता है भी मोड की दो टर्म प्रोडक्ट में मिल जाए, जो ऊपर एक पार्ट आ भी गया था, ये सुनो ध्यान से। f ऑफ x है मोड ऑफ x माइनस 1 प्लस में मोड ऑफ x माइनस 2, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एट x इज इक्वल टू 1 और 2 दोनों पे कॉन्टिन्यूटी की बात करें तो कॉन्टिन्यूटी चेक करना कोई बड़ी बात नहीं है, मोड हटने के बाद ये सिंपल से सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा। आपको मोड कैसे हटाना है, सबसे पहले देखो x के माइनस में यहाँ पे क्या है 1 और यहाँ पे क्या है 2, इन दोनों में लेस वाली वैल्यू ले लो, 1 और 2 में लेस कौन है 1। मेन बात क्या होती है कि हमें इनइक्वालिटी लिखने में प्रॉब्लम होती है। देखो क्या करना है, दो वैल्यू आपके पास 1 और 2, छोटे वाली वैल्यू ले लो और x को उससे लेस ले लो। अगर यहाँ पे 2 होता यहाँ पे 5 होता तो हमारी जो लेस वैल्यू है वो क्या हो जाती 2 हो जाती। अब देखो पहले हम क्या करेंगे, x को 1 से लेस लेंगे। अब 1 से लेस जो आपका मन करे वो वैल्यू उठा लो, 1 से लेस हमने जैसे 0 ले लिया एट x इक्वल टू x इक्वल टू 0, उस जीरो को यहां पुट करो तो 0 माइनस 1 वैल्यू नेगेटिव है कि नहीं है, रूल वही चल रहा है। लेकिन अब दो पॉइंट आ गया तो यहाँ पे इनइक्वालिटी का ध्यान रखना, ये लिखने में तुमने 0 1 से लेस 0 लिया तो ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा, तो हम क्या करेंगे इसके आगे से मोड हटा देंगे और नेगेटिव साइन लगा देंगे। उस एक्स इज इक्वल टू 0 को यहां पर भी पुट करो तो 0 माइनस 2 माइनस 2 फिर कैसा आया नेगेटिव, तो इसका भी मोड हटा दो और उसके आगे भी क्या लगा दो नेगेटिव साइन। तो ये 1 से लेस के लिए हमने फंक्शन निकाल लिया। अब आपको क्या करना है, हम क्या करते थे अगर सिर्फ इतनी टर्म होती थी तो 1 से लेस लेते थे और दूसरा केस क्या लिखते थे 1 या 1 से ग्रेटर, लेकिन अब हमें इस 2 का भी ध्यान रखना है। क्या लिख रही हूं मैं, 1 या 1 से ग्रेटर हमेशा लिखते थे, लेकिन किससे लेस, 2 से लेस, जिससे ग्रेटर ले रहे हो ना इक्वलिटी उसके साथ लगा लो। देखो बेटा 1 से लेस का ले लिया, अब हमें 1 या 1 से ग्रेटर का चाहिए, लेकिन अब आप इधर से बाउंड करो जो x के माइनस में दूसरी वैल्यू चल रही थी 2। अब आपको क्या करना है, आपको इनके बीच में से ही कोई वैल्यू उठानी है, इनके बीच में से चाहे आप यहां से 1 भी ले सकते हो, चाहे 1.2 1.5 1.9 ले लो, लेकिन 2 से क्या रहना है आपको लेस। यू लगा लो हमने इस इंटरवल के बीच में, इंटरवल क्या है सेमी क्लोज सेमी ओपन, इसके बीच में मैंने x को 1.5 ले लिया। यू बताओ 1.5 माइनस में 1 वैल्यू पॉजिटिव आई कि नहीं आई, तो क्या करेंगे इसके आगे से मोड हटा देंगे और पॉजिटिव साइन रहने देंगे।
और 1.5 जब यहाँ रखेंगे तो वैल्यू नेगेटिव आएगी कि नहीं आएगी, तो इसका मोड हटा दो, लेकिन इसके आगे कैसा साइन लगा दो, नेगेटिव। और अब देखो 2 से लेस का फंक्शन आ चुका, हमें किसका चाहिए, 2 या 2 से ग्रेटर का फंक्शन चाहिए, समझ गए या नहीं। 1 से लेस का हो गया 1 और 1 से ग्रेटर का हो गया, 2 से लेस का 2 और 2 से ग्रेटर का। अब देखो 2 से बड़ा आपने 3 ले लिया, दोनों में रखे देखना है 3-1 तो वैल्यू पॉजिटिव आई, मोड हटा दो साइन कैसा रहने दो, पॉजिटिव। जब आपने 3 को यहाँ रखा तो यहाँ पर भी कैसा आएगा, पॉजिटिव, यानी कि मोड हटा दो साइन कैसा रहने दो, पॉजिटिव। और जैसे ही मोड हटा तो ये क्वेश्चन आपका सिंपल से सिंपल बन गया। अगर कोई एक्स की टर्म आपकी कैंसिल होती है तो कर लो, सुनो माइनस का एक्स प्लस का 1 माइनस एक्स प्लस का 2, मैं यहाँ लिख रही हूँ उसको एक्सपेंड करने के बाद, एफ ऑफ एक्स है, देखो माइनस में 2x और प्लस में 3, कब है, x लेस देन 1 के लिए। उसके बाद जब इस माइनस को अंदर ले जाएंगे तो माइनस x और प्लस का 2, x से x कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ प्लस का 1 बचेगा, 1 या 1 से ग्रेटर और 2 से लेस के लिए। और जब यहां लेंगे तो भाई 2x माइनस में 3 बनेगा 4x ग्रेटर देन 2 के लिए। अब मोड अपने हटा दिया और ये हमारा फंक्शन बना, कहता है 1 और 2 दोनों पे कंटिन्यूटी चेक करो, तो वो तो मैं करवाऊंगी, लेकिन ये चीज आपको अच्छे से करनी है, इसको अच्छे से नोट कर लेना। फिर देखो बेटा आप जब कंटिन्यूटी चेक करने लगे तो 1 पे अगर कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं तो एट एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, वो यहां से निकाली जाएगी और वैल्यू कितनी है 1। जब आप लेफ्ट हैंड में लिखोगे तो लिमिट x tends to 1 negative और 1 से less का function है minus 2x plus में 3, x को क्या put करेंगे 1 minus में h, तो limit x tends to 0 ये हो जाएगा minus का 2 और plus का हो जाएगा 2h और plus में 3, तो plus 3 minus 2 1 और ये हो जाएगा 0। फिर निकालो right limit, तो limit x tend करेगी 1 के positive को और 1 से greater का जो function है वो वही है आपका second वाला, तो क्या आएगा 1, ये राइट लिमिट, ये लेफ्ट लिमिट और ये फंक्शन की वैल्यू, तो 1 पे क्या है कंटीन्यूअस। ऐसे आप किस पे चेक कर लो, 2 पे। ये क्वेश्चन मेन इंपॉर्टेंट आपका किसकी वजह से था, मोड की वजह से। आप अपनी तरफ से भी ये क्वेश्चन लिख के, जैसे मैं लिख रही हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस में मोड ऑफ एक्स माइनस 3, इसका मोड आपको खुद हटा के देखना है और इनइक्वालिटी लिख के देखनी है।